हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हमारे यहाँ बन रही है मटर मशरूम की सब्ज़ी। बिल्कुल ढाबे वाले तरीके से हम बनाएंगे इसे। आप चावल, रोटी, नान, तंदूरी रोटी किसी के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। यह बहुत टेस्टी बनने वाली है। तो यहाँ पर मशरूम को मैंने पहले से ही साफ़ करके रख लिया है। 3-4 बार हमें वॉश करना है और उसके ऊपर की एक स्किन हमें निकाल लेनी है। और इसी में हम यूज़ करेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट, जो कि हमने बना करके स्टोर करके रखी हुई है। इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं कि हम अदरक लहसुन के पेस्ट को 6 से 8 महीने के लिए बिना प्रिजर्वेटिव के कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। अब हमने जो यहां पर मशरूम को कट करना है ना, वो हम हाफ में कट करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस हैं मशरूम के तो 3 पीस में कट करेंगे। इससे ज़्यादा छोटे हमें नहीं करने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाते हैं एक बॉईल आने के बाद। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, ये कितने श्रिंक हो चुके हैं। 1-2 बॉईल लगाना है हमें मशरूम को। और इससे क्या होता है ना, जो मशरूम का आप देख रहे होंगे पानी ब्लैक कलर सा निकलता है, वो सारा जाता है सब्ज़ी के अंदर, अगर हम इसे पहले बॉईल नहीं करते तो। इसलिए हमें इसे पहले से बॉईल करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर कटिंग चॉपिंग हो जाती है कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, एक पैन में ऑयल गरम करेंगे और साथ में ही हमें ऐड करना है बटर। आधा ऑयल आधा बटर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जितना ऑयल लिया उसका डबल बटर ले लिया, क्योंकि बटर का टेस्ट मशरूम के साथ बहुत ही अच्छा जाता है। और अब हमें यहाँ पर ऐड करना है ज़ीरा। ज़ीरे को 1-2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाना है, बिल्कुल अच्छे से चटकते तक। इसके बाद हम यहाँ पर खड़े मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने ऐड कर लिया 1 तेज़पत्ता, जिसे मैंने तोड़ करके ऐड किया। साथ में ही मैं ऐड कर रही हूँ 1 इंच दालचीनी, 1 या 2 लौंग हमें ऐड कर लेना है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 1 फूल चक्री। और अगर आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए ना, तो आप अपने पसंद से मसाले और भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इसमें से आप कोई खड़े मसाले स्किप भी कर सकते हैं। और मसाले हो जाने के बाद मैंने ऐड कर लिया प्याज। प्याज को हमें हल्का सा ब्राउन होते तक भूनना है। और जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पर दही रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब दही ली और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके मैंने इसे अच्छे तरीके से फेंट लिया। और जब प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना, तब हमें यहाँ पर ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि हमने स्टोर करके रखा हुआ था। आप यहाँ पर अदरक लहसुन तुरंत कूट करके भी ले सकते हैं। अदरक लहसुन का कच्चापन जाने के बाद मैंने यहाँ पर बारीक चॉप किया हुआ टमाटर ऐड किया। इसे हम मिक्सी में भी ब्लेंड करके ले सकते हैं। और अब इसी के साथ में मैं कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला या फिर किचन किंग मसाला, और साथ में ही मैंने कसूरी मेथी, हरा धनिया और नमक ऐड कर लिया। और हमें यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करनी है, जो कि बिल्कुल ही ऑप्शनल है, लेकिन कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करने से ना ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैंने ऐड किया। अब हमें मसालों को हल्का सा भून लेना है, लेकिन मसाले जल ना जाए उसके लिए ना मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया। और अब इसे ढक करके हम पकाएंगे, जिससे कि मसाले भी अच्छे से भून जाएँ और टमाटर भी अच्छे तरीके से गल जाए। तो दोस्तों, हमें टमाटर को तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए और ये जब तक ऑयल ना छोड़ने लगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टमाटर से ऑयल भी रिलीज़ हो गया और टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। तो इसी स्टेज में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ दही। तो दोस्तों, जब हम दही ऐड करेंगे उस समय या तो हमें फ्लेम को लो कर लेना है या तो फिर फ्लेम को ऑफ कर लेना है। इससे क्या होता है, दही फटेगा नहीं और ये अच्छे तरीके से पक जाएगा मसालों के साथ में। तो दही भी मसालों के साथ अच्छे से पक चुका है और यहाँ पर हमारी ग्रेवी लगभग रेडी हो चुकी है बन करके। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मशरूम और मटर। मटर मैंने फ्रोज़न लिए है, इसलिए बॉईल नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी बॉईल्ड मिलते हैं। और अगर आप फ्रेश मटर ले रहे हैं तो इन्हें आप 1 या 2 सीटी लगा लीजिएगा, उसके बाद में ही यहाँ पर ऐड कीजिएगा। तो अब हम मसालों के साथ में मशरूम और मटर को करेंगे फ्राई और साथ में हरा धनिया भी ऐड कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि अच्छे तरीके से सारी चीज़ें फ्राई हो चुकी है। अब हमें एक काम और करना है यहाँ पर, कि हमें ऐड करना है पानी। तो पानी हम किस हिसाब से ऐड करेंगे, अगर आप चावल के साथ में सर्व कर रहे हैं तो आपको पानी ज़्यादा ऐड करना है, क्योंकि उसके लिए हमें ग्रेवी ज़्यादा चाहिए। और अगर आप रोटी के साथ या फिर नान के साथ या तंदूरी रोटी के साथ में आप इसे सर्व कर रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पर कम पानी ऐड करेंगे। और पानी डालने के बाद ना इसे 4-5 मिनट के लिए हमें लो फ्लेम में अच्छे तरीके से पकने देना है। और सब्ज़ी रेडी हो जाने के बाद सबसे लास्ट काम हमें क्या करना है,
हम यहाँ पर कोयले का तड़का देंगे या फिर इसे हम स्मोक देना भी बोल सकते हैं। तो इससे क्या होता है, ग्रेवी का टेस्ट मैं डबल तो नहीं बोलूँगी बल्कि 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक बार मशरूम मटर की सब्ज़ी बना करके देखिए, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।